नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, भोपाल से खबर, जहां एनडीए गठबंधन की बैठक जो है वो शुरू हो गई है। सभी पार्टियों के नेता बैठक में मौजूद हैं। जीतू पटवारी भी बैठक में शामिल हैं। आपको बता दें, चुनाव की रणनीति पर बैठक में चर्चा होगी और एकजुट होकर चुनाव लड़ने पर चर्चा होगी। बैठक के बाद गठबंधन की जो है पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। तो इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू हो चुकी है। सभी पार्टी के जो नेता हैं वो बैठक में मौजूद हैं और किस तरीके से एकजुट होकर पार्टी जो इंडिया गठबंधन है वो चुनाव लड़ेगा, इसको लेकर चर्चा होगी। देखिए, मध्य प्रदेश में गठबंधन को लेकर अगर बात की जाए तो सपा और कांग्रेस साथ में चुनाव लड़ रहे हैं और कल ही ये हुआ कि सपा की जो उम्मीदवार हैं मीरा यादव, उनका नामांकन रद्द हो गया। उन्होंने कुछ दस्तावेजों पर दस्तखत नहीं किए थे, कारण भी निकल कर सामने आए थे। लेकिन अब इस पूरे मामले में इंडी गठबंधन की जो बैठक है वो आज होने जा रही है और शुरू हो चुकी है। जीतू पटवारी भी बैठक में शामिल हुए हैं। शबाना हमारे साथ जुड़ी हुई है इस खबर पर जानकारी के लिए। शबाना, इंडिया गठबंधन की जो बैठक है उसको लेकर क्या कुछ अपडेट अब तक निकल कर सामने आ रहे हैं? कौन कौन मौजूद? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक हो रही है, जिसमें मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, इसके अलावा तमाम जो पार्टी आरजेडी, जेडीयू, आप और इसके अलावा जो अन्य दल है उनके भी जो है प्रदेश अध्यक्ष मौजूद है। इंडिया गठबंधन में लोकसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी बैठक है और लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन के जो नेता है, जो प्रत्याशी है, वो किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे, इस पर चर्चा होगी। क्योंकि आपने देखा कि खुजराओ लोकसभा सीट से मीरा यादव का जो नामांकन है वो रद्द हो गया था, उसी को लेकर भी आज चर्चा होगी। उसको लेकर जो है रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट भी किया है कि उसके लिए जो है कांग्रेस पार्टी भी लड़ाई लड़ेगी। तो अब सबसे बड़ी बात है इस मुकाबले में, जहां बीडी शर्मा एक तरफ है, वही दूसरी तरफ मीरा यादव का नामांकन रद्द होने के बाद से विपक्ष के जितने भी नेता है वो एकजुट होने की कोशिश करेंगे और जो लोकसभा चुनाव में किस तरीके से सरकार के खिलाफ लड़ा जाए, भाजपा के खिलाफ लड़ा जाए, इसको लेकर रणनीति तैयार होगी। सबसे बड़ी बात है कि अब से कुछ देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी संयुक्त, जिसमें तमाम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया को ये बताने की कोशिश की जाएगी, जनता को संदेश दिया जाएगा कि कौन कौन सी रणनीति तैयार हुई और किन किन विषयों पर चर्चा हुई और आने वाले चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे जो जनता के बीच में कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन लेकर जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बैठक तो चल रही है लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को ध्वस्त करने की जो कवायद, रणनीति जो यहाँ पर अपनाई जा रही है कांग्रेस पार्टी को, कितनी सफल होती है, 4 जून का वो दिन है जब पता चलेगा। क्योंकि चूंकि 4 जून को रिजल्ट आएगा और 4 जून को ये पता चल जाएगा कि मध्य प्रदेश में 29 सीटों पर किसका पल्ला भारी और कौन सीटें कौन जीत रहा है। बिल्कुल, और ऐसे में इंडिया गठबंधन की जो बैठक है वो मध्य प्रदेश में हो रही है, तो ना केवल मध्य प्रदेश, अलग अलग राज्यों को संदेश देने की कोशिश होगी, लेकिन कितनी मजबूती से ये दल लड़ते हैं ये आने वाले समय के साथ और भी साफ हो जाएगा। क्योंकि लगातार जो खबरें निकल कर सामने आई उसमें एकजुटता का संदेश देने में जो इंडिया गठबंधन है वो कामयाब नहीं रहा। यहाँ पर देखते हैं किस तरह का संदेश निकल कर सामने आता है। शबाना, आप नज़र बनाए रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया जानकारी के लिए।